हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आखिर क्या चल रहा है। इतने कोर्ट बहस हुआ, आपको मालूम ही है कि 7-7, 7-5 और 8-5 और 10-5 2024 को बहुत तेजी से बहस हुआ था। और उसके बाद क्या किया था, फैसला रिजर्व रख लिया गया था। फैसला क्या होता भैया, रिजर्व रख लिया था। फैसला रिजर्व रह गया, किसके पक्ष में फैसला गया या कोई नहीं जान पाया। और रिजर्व रहा तो सभी लोग परेशान हो गए, सभी के मन में यह शंका उठ रहा है। कोई लोग सोचते हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, कोई लोग सोचते हैं कि क्या क्या जिनका भी सीबीटी में रिजल्ट है वो लोग केस हार जाएंगे या गेस्ट हार जाएंगे ये केस। तो कई तरह के मन में सवाल आपके उठ रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसलिए कि मैं आपके बगल में कोर्ट का स्टेटस भी दिखा दूंगा आपको। डेट आ चुका है 17/5/2024 को, जो है आपको जजमेंट मिलने वाला है कि किसके पक्ष में जाएगा। अब बात करते हैं कि किसके पक्ष में जाएगा यह मामला। तो अगर देखा जाए सही तरीके से देखा जाए तो सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो है पॉजिटिव वेव में जो लड़ रहेगा उसी की जीत होना संभव होनी चाहिए। और शायद आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप दुआ कीजिए कि आपके पक्ष में यह जो है जजमेंट आएगा। जजमेंट एक लाइन का नहीं होता है कि आपको लिख के एक दिन में दे दिया जाए, बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है। और जजमेंट जब आएगा किसी के भी पक्ष में आए, चाहे आप सीबीटी पास विद्यार्थी के पक्ष में या गेस्ट अनुदेशक जो लड़ रहे हैं उनके पक्ष में है, किसी भी पक्ष में आए तो पूरे तर्क के साथ जो है वह जजमेंट आता है। तो इसलिए घबराना नहीं, और हमें नहीं लगता कि आप जो है गलत तर्क के साथ लड़ रहे हैं। तो सही वे में लड़ेंगे तो सताई की हमेशा जीत हुई है, शुरू से हम कह रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और इंतजार है कल के सुबह का और एक अच्छी खबर का। इसलिए सोचे कि आपको जो है जल्दी से जल्दी यह न्यूज़ देना जरूरी था। 17/5/2024 को जो है आपको लगता है हमें कि 12 बजे या 1 बजे तक जो है पूरा जो है जजमेंट आ जाएगा कि किसके पक्ष में जो है फैसला गया। कि बेवजह की जो आखिरकार आप देखे भी होंगे, उनके वीडियो भी आ रहे थे कई कि हम ये भर्ती नहीं होने दे, आखिरकार अंत में वो लोग आ ही गए अपने पे और उन्होंने दिखा ही दिया कि हाँ हम भर्ती नहीं होने देंगे। ये मानसिकता रखना एक बहुत गलत बात है। और जो लोग सही वे में लड़ रहे हैं, आपके और हमारे, हो सके हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। कोर्ट जो है दलीलों पर चलता है। कोर्ट किसके चलता है, दलीलों पर चलता है और गवाहों पर चलता है, सबूतों पर चलता है। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। और हमें पूरा आशा है कि यह जो है सीबीटी पास विद्यार्थी के ही पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि यह वास्तव में अगर देखा जाए तो यह जो है बहाली कराने के पक्ष में, एक पक्ष जो है रोकने के चक्कर में है। तो रोकने का मतलब क्या होता है, आप गलत तरीका अपना रहे हैं। किसी चीज़ को रोकने का मतलब क्या होता है, आप गलत तरीका अपनाना है। तो इसलिए जो देखिए कल क्या होता है, किसके पक्ष में फैसला जाता है। लेकिन जिसके भी पक्ष में जाए, मुझे उम्मीद है जो भी है कोर्ट से जो है सही न्यायालय मिलेगा, सभी को सही न्याय मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का अपडेट 12-1 बजे के बाद आपको